यूपी में दरगाह की जगह बनेगा सूर्य मंदिर, क्या फिर से होगा कोई नया बवाल? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि हमेशा से कट्टर हिंदू नेता की रही है, लेकिन जब से उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली है उन्होंने किसी भी मुद्दे पर खूब सोच समझकर बयान दिया है। कुर्सी संभालते ही योगी ने यह भी साफ किया था कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलेगी, किसी से भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अब योगी के एक ताज़ा बयान के बाद कुछ लोग सकते में हैं। हो सकता है यूपी की सियासत में फिर से एक नया बवाल खड़ा हो जाए। बहराइच में सूर्य मंदिर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने खुलकर वीएचपी का समर्थन किया है और योगी ने कहा है कि वो वीएचपी की मांग से पूरी तरह सहमत है। दरअसल योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम हिंदू विजयोत्सव में पहुंचे थे और यहां उन्होंने वीएचपी की सूर्य मंदिर बनाने की मांग का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है जो अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हमीद और कलाम का सम्मान नहीं करता होगा। हमें तय ये करना है कि गजनी, गौरी, खिलजी, बाबर और औरंगजेब को सम्मान मिलना चाहिए या नहीं। जिस सूर्य मंदिर के सपोर्ट में योगी इस तरीके से खुलकर सामने आए हैं, आखिर वो सूर्य मंदिर बनवाने का पूरा मामला क्या है, ये आपको बताते हैं। काफी वक्त से विश्व हिंदू परिषद राजा सुहेलदेव की याद में सूर्य मंदिर निर्माण करवाने की मांग कर रही थी। बताया जा रहा है कि 11वीं शताब्दी में राजा सुहेलदेव ने ही गाजी सैयद सालार मसूद से युद्ध किया था। वीएचपी का दावा है कि वहां पहले से मौजूद एक मंदिर को तोड़कर दरगाह का निर्माण किया गया था। ये दरगाह करीब 1000 साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के ताज़ा रुख के बाद अब ये दरगाह अचानक से विवादों में आ चुकी है। अब ऐसे में योगी के समर्थन के बाद मुस्लिम समाज में क्या खलबली मचती है और क्या यूपी में कोई नया बवाल खड़ा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।